आप सब में क्या मामला है? सारी रंगे खोद दी, सारी नीमें खोद दी, जबकि मस्टोली जारी नहीं की। और जब इसने विरोध किया तो इसके अंकल को कोरोना की आड़ में 5 दिन के लिए आइसोलेट करके हॉस्टल में बंद कर दिया, इसके भाई को और अंकल को। और माननीय मंत्री महोदय, इतना ही नहीं, 4 तारीख 5 महीने को इसके काम के लिए एक कमेटी बना दी सीओ ने, और इसको उसके काम से बंद कर दिया। अभी भी कोई नरेगा का कोई विकास कार्य इसकी ग्राम पंचायत में नहीं चल रहा है, और इसको पंचायत मुख्यालय पर जाने के लिए पाबंद किया गया कि तुम उस मुख्यालय पर नहीं जाओगे। ये अब सरपंच ही नहीं जाएगा, सोच सकते हो, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि नहीं जाएगा, माने मंत्री कैसे चलेगा? तो हम बैठाना चाहते हैं सर, हमारे यहाँ एक कागज लेकर के एमएलए साहब को सेलेक्ट किया है, प्रत्येक गांव के लिए 22,63,000 रुपए की हमने कार्य योजना बनाने की। ये अगस्त का मामला है, अब अगस्त दूसरा आ गया, अभी तक कोई कार्य योजना बनी नहीं है। अब उस गांव का अभी तक कोई विकास की कोई गति नहीं आई है। अब ये लगातार कोई समझ नहीं, अब बता रहे हैं कि 2 साल हो गए इसको बने हुए रोड को, हम चुकी जांच कर रहे थे, 4 रोड पे तुमने ले या फिक्स नहीं किया, जांच करा रहे, ठीक है। स्टेट कमेटी बनाओ सर। आज हम जिला परिषद में हमारे विभाग की समीक्षा करेंगे, और अभी जो लोग मिल के गए हैं तो इसमें हमारे विभाग के भी अधिकारी हैं, BDO असिस्टेंट BDO है, ग्राम विकास अधिकारी हैं, कुछ सरपंच साहिबान हैं, कुछ आमजन हैं। उन्होंने अपनी कहीं ग्राम पंचायतों की शिकायतें की हैं, कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। देखने के बाद हम जांच करवाएंगे, और अभी जो मीटिंग होगी उसमें हमारी कुछ कमेटियां हमने भेजी, उनकी क्या रिपोर्ट आती है, और बाड़मेर में हमें और क्या करना है, तो जन हमारे MLA साहिबान भी हैं, तो इन सब के बीच में चर्चा होगी। आप लोग भी उपस्थित रहेंगे, जो भी है वहाँ मीटिंग में क्या निकल कर आता है, उसके बाद हम आपसे प्रेस वार्ता करें।